हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दी इनो पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MHI 02 लेसन 6 सामाजिक संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, सामाजिक संरचना एक समाज के अंदर में किस प्रकार की सामाजिक संरचना की गई है, ठीक है, समय के साथ किस तरह के परिवर्तन हुए हैं उसमें, ठीक है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर में लेंगे। साथ साथ दोस्तों, इस चैप्टर के जो 3 क्वेश्चंस भी हैं जो आपके बुक के अंदर है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, बेसिक डिटेल इस लेसन के बारे में और इस बुक के बारे में जानते हैं। जो हमारा MHI 02 है इग्नू का एम ए हिस्ट्री की बुक, वो आधुनिक विश्व को रिप्रेजेंट करती है। इसके अंदर में हमें जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे वो आधुनिक विश्व से रिलेटेड होंगे, ठीक है। जो यूनिट 2 हम अभी कर रहे हैं, चैप्टर 6 कर रहे हैं, चैप्टर 6 से पहले 2 चैप्टर मैंने करवाया, जिसमें चैप्टर 4 के अंदर मैंने बताया कि राज्य का निर्माण किस प्रकार होता है। किसी भी व्यक्ति को रहने के लिए क्या होता है, सबसे पहले जरूरी चीज़ क्या है कि उसको राज्य मिले, एक जगह मिले, ठीक है। राज्य का निर्माण किस प्रकार से होता है, कौन कौन से राज्य होते हैं, किस विचार का क्या विचारधारा था, ठीक है, किस प्रकार के राज्य का निर्माण किया जाना चाहिए, इसके बारे में हमने चैप्टर 4 में पढ़ा। उसके बाद हमने अर्थतंत्र के बारे में पढ़ा, अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा कि कौन सी अर्थव्यवस्था सही रहेगी, ठीक है, कौन सी अर्थव्यवस्था हमें अपनानी चाहिए, कौन सी विचारधारा अर्थव्यवस्था के लिए सही रहेगी, ये सारी चीज़ें हमने बात करी, जिसमें पूंजीवादी, साम्यवादी, इन सब विचारधाराओं के बारे में हमने चर्चा किया था, उनकी आलोचना भी करी थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सामाजिक संरचना कि एक समाज के अंदर में किस प्रकार का सामाजिक संरचना होना चाहिए, ठीक है। वर्ग विभाजन किस प्रकार से होना चाहिए, कार्य का विभाजन किस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है, कृषि व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ठीक है, औद्योगिकरण किस प्रकार से पूरा रेगुलेट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो ये चैप्टर है दोस्तों, जब आप इसको पढ़ोगे ध्यान से, तो काफ़ी हद तक आपको ये लगेगा कि आपके आसपास की सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि पूरे इस चैप्टर के अंदर में हम यूरोप और मतलब पश्चिमी देशों के बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे, पर फिर भी आपको ये लगेगा कि यह आपकी सोसाइटी को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ेदार है, और अगर आपको कहीं पे कुछ चीज़ें छूट जाती हैं तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि पूरा ये जो चैप्टर है, ठीक है, ये पूरा लेसन आपको लेक्चर बेस पे ही सुनना है, ठीक है, लेक्चर बेस पे मैं बता रहा हूँ, आपको सुनना पड़ेगा उस तरह से, और वही आपको अपने बुक में हाईलाइट भी करना है जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं सामाजिक संरचना के, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करें आधुनिक समाज की प्रकृति। प्रकृति मतलब कहता है उसका चरित्र कैसा है, किस तरह का वो दिखता है, स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बारे में हम बात करते हैं आधुनिक समाज का। आधुनिक मतलब क्या, आज के समाज का, आज का समाज कैसा है, आज का समाज कैसा है, तो ये वेस्टर्न कल्चर पर आधारित समाज है, जिसके अंदर में हम क्या करें, अपने धर्म को भूल चुके हैं, अपनी जो मूल धर्म था उसको हम भूल चुके हैं, अपनी मूल संस्कृति को भूल चुके हैं। थोड़ा सा इमेजिन करो आप, तो आपके जो दादा थे, मतलब दादा के दादा या वो दादा थे, वो खड़ाऊँ पहनते थे, लकड़ का बना हुआ खड़ाऊँ पहनते थे, ठीक है, और आज हम क्या पहनते हैं, रिबॉक एडिडास के जूते पहनते हैं, ठीक है, बबल्स वाले जूते पहनते हैं, हल्के जूते पहनते हैं, फॉर्म वाले जूते पहनते हैं। तो थोड़ा सा क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, आधुनिक विश्व की ओर हम बढ़े, ठीक है। हमारे जो दादा परदादा थे वो कुर्ता पैजामा पहनते थे, धोती कुर्ता पहनते थे, ठीक है, या फिर अलग अलग समाज में जिस तरह जहाँ का जो स्ट्रक्चर रहा होगा, ठीक है, जो जिस जगह पर रहा होगा वहाँ पर उसके हिसाब से वो चीज़ें पहनी जाती थी, ठीक है, खाई पी जाती थी। पर आज का जो बच्चा है, जो आज का आधुनिक युग का समाज है, वो क्या करता है, पिज्ज़ा बर्गर खाना पसंद करता है, जबकि पुराने टाइम में दाल चावल या सूखी रोटी नमक के साथ खा लो वो भी बेटर होता था, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा परिवर्तन आया। अब यहाँ पे जो मेनली, ये तो मैं बता रहा हूँ समाज के अंदर में परिवर्तन, जो मेनली परिवर्तन जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता वो क्या था, कृषक और औद्योगिक वर्ग का विभाजन, ठीक है, सबसे बड़ा परिवर्तन के तौर पर देखा जाता है। कृषक वर्ग कौन होता है, जो खेती करता है। औद्योगिक वर्ग कौन होता है, जहाँ पे फैक्ट्रियों में जो उद्योग, जो काम चलता है, जो फैक्ट्रियाँ लगती हैं, उसको हम औद्योगिक वर्ग के तौर पर देखते हैं। इनका मोटे मोटे तौर पर विभाजन किया जा सकता था, ठीक है, इनका विभाजन किया भी गया, ठीक है। ऐसा माना जाता है, भारत का एग्जांपल लेके चलूँगा, जबकि पूरा ये चैप्टर है आपका पश्चिमी देशों के ऊपर निर्भर है, ठीक है, पूरा डिपेंड, मतलब पश्चिमी भी देशों के ऊपर पूरा चैप्टर है, पर हम भारत का एग्जांपल लेकर चलते हैं। भारत की जो आरंभिक, अगर आप बात करो आज से आप 100 साल पहले जाते हो, ठीक है, जब अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे थे, अंग्रेज के आने से पहले, ठीक है, 16वीं-17वीं शताब्दी के अंदर में, तो भारत की 99% की जो आबादी थी वो एक किसान आबादी थी, किसान खेती करती थी, ठीक है। जो 2-3% मान लो आपका जो आबादी बच जाती है वो किसी न किसी तरह से, मतलब उद्योगीकरण में लगी हुई थी, ठीक है, अपना फैक्ट्री चला रही थी, अपना कोई काम धंधा कर रही थी, छोटे मोटे रोजगार कर रही थी, ठीक है, पर बाकी 97-98% जो आबादी थी वो कृषक थी। पर समय के साथ धीरे धीरे क्या हुआ, परिवर्तन हुए,
ठीक है। 19वीं और 20वीं सदी के अंदर में जब उद्योगीकरण को लोगों ने अपनाना शुरू किया, पूंजीवाद को अपनाना शुरू किया, तो पूंजीवाद के अंदर में क्या था कि उद्योगीकरण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। उसके कारण से क्या हुआ कि लोगों को रोज़गार मिले, ठीक है, नई नई फैक्ट्रियों में जगह नौकरियां मिली और नगद कैश के तौर पर मजदूरी करो, नगद पैसे लो, उसके बेस पे चलने लगा चीज, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम देखते हैं आधुनिक समाज का परिवर्तन, जिसके कारण से क्या हुआ, जो 99% या 97% जो कृषक वर्ग था वो घटता चला गया, ठीक है, और ये जो औद्योगिक वर्ग था जो 2-3% था वो बढ़ता चला गया, ठीक है। बढ़ता चला गया कैसे, मतलब अगर आप एक औद्योगिक कंपनी में काम करते हो तो आप नहीं बढ़ रहे, कंपनी का मालिक बढ़ता है। बस वहाँ के अंदर में क्या हो जाता है, कंपनी का मालिक बढ़ रहा है, तो जहाँ पे पहले 4 मजदूर रखता था वहाँ पे अब 40 मजदूर रखता है, ठीक है। और आप अभी भी मजदूरी हो, आपने कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पर कृषक समुदाय में क्या था कि अगर आप बढ़ रहे हो तो आपका खेत बढ़ेगा, आप मालिक हो और आप बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सी चीज़ें जो हमें समझना चाहिए था जो हम समझ नहीं पाए और बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों, तो इस तरह से चीज़ें चल रही थी, बदल रही थी संरचनाएं, इस तरह से औद्योगिक संरचनाओं का विकास हो रहा था, ठीक है, जो हमारे समाज को रिप्रेजेंट करने वाला था। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक पूंजीपति वर्ग, बुर्जुआ जिसे हम बोलते हैं, उसका यहाँ पे निर्माण होता है और वो पैदा होता है। अब ये होता क्या है, तो जैसे देखो, अगर आप अपने खेत है, आपका खेत है, आप अपने खेत में काम कर रहे हो तो आप मजदूर नहीं कहलाओगे, ठीक है, आप मजदूर नहीं कहलाने वाले, ठीक है। पर जो पूंजीपति वर्ग होता है वो क्या करता है, एक छोटी सी जमीन लेता है, उसके ऊपर एक फैक्ट्री स्थापित करता है और उसके अंदर में 40 लोगों को रख के काम करवाता है, तो वो मजदूर कहलाता है, वो पूंजीपति वर्ग कहलाता है और वो मजदूर पैदा करता है, ठीक है। आप मान लो किसान हो, किसान खेती कर रहे हो, 40 लोग अपने पूरे परिवार के साथ रख के खेती कर रहे हो, तो आप मजदूर नहीं कहलाओगे, आप मजदूर पैदा नहीं कर रहे, ठीक है, आप किसान पैदा कर रहे हो, किसान खेती कर रहे हो, ठीक है। पर अगर मैंने एक फैक्ट्री डाली और फैक्ट्री के अंदर मैं पहले 4 लोगों को रखा, फिर 5 लोगों को रखा, फिर 6 लोगों को रखा, तो आने वाले भविष्य के लिए मेरी फैक्ट्री क्या कर रही है, मजदूर पैदा कर रही है, ठीक है। मान लो मैंने कॉलेज बनाया, कॉलेज के अंदर में बच्चे आए, एडमिशन लिए, ठीक है, अब उसके अंदर में पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है, तो पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे जब वो ग्रेजुएट होकर निकलेंगे उस कॉलेज से, तो क्या होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, अपने देश के लिए ग्रेजुएट्स पैदा कर रहा हूँ, जो आगे पढ़े शिक्षित लोगों को पैदा कर रहा हूँ, ठीक है, पर बना रहा हूँ, ठीक है, समझ में आता है। तो इस तरह से ये कहा गया, जो बुर्जुआ वर्ग है वो क्या कर रहा है, मजदूर पैदा कर रहा है, ठीक है। अगर कहीं पर भी दोस्तों आपको लगे ना कि ये वाला पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है, जो चीज़ें मैंने बोला आपको पहले नहीं पड़ा, एकदम थोड़ा सा भी लगता है कि स्लिप हो जाता है, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है, या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, नहीं कर रखा है तो कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में जो भी वीडियो रिलेटेड डाउट्स हों आपको, तो मैं आपको डाल सकूँ, बता सकूँ, आप कमेंट कीजिएगा तो मैं उसके लिए दूसरी वीडियो डालकर आपका डाउट सॉल्व कर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, जिसमें हम कहते हैं आर्थिक और जनकीय परिवर्तन, ठीक है। जनकीय परिवर्तन होता क्या है, तो मतलब जनसंख्या में परिवर्तन, ठीक है, और आर्थिक मतलब क्या, जो इकोनॉमिकली तौर पर परिवर्तन है। अब देखो, जो पहले किसान था वो उसकी पूरी तरह से जो व्यवस्था थी किस तरफ किस चीज़ पे निर्भर थी, तो भाई किसान खेती करो, ठीक है, लेन देन के तौर पर उनका चलता था कि भैया मैंने विनिमय प्रथा के तौर पर कि मुझे चावल मैंने उगाया है, तुम्हारे पास आटा है, गेहूँ है, तो वो मैं चावल आपको दे रहा हूँ, तो मुझे गेहूँ दे दो, तो इस तरह से विनिमय प्रथा पर आधारित था। पर धीरे धीरे क्या हुआ, मुद्रीकरण होने लगा, मुद्रीकरण के अंतर्गत मुद्रा व्यवस्था का शुरुआत हो गया, ठीक है, मुद्रा व्यवस्था का शुरुआत हो गया। और ये जो विनिमय प्रथा था सिर्फ भारत के अंदर में नहीं था, पर आप भारत का एग्जांपल से आप इसलिए समझो क्योंकि आपने इस चीज़ों को देखा होगा। अगर आप अभी मान लो MA में हो, ठीक है, और गांव से आपका किसी तरह प्रकार का संबंध है, गांव में बिहार यूपी या फिर किसी और जगह से आपका संबंध है, तो आपने विनिमय प्रथा चीज़ें देखी होंगी अपने गाँव में, ठीक है, और नहीं देखे होंगे तो आप अपने बड़ों से पूछोगे तो वो ज़रूर आपकी गाइड करेंगे कि हाँ ये चीज़ें होती थी। और विनिमय प्रथा सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर में चलता था, ठीक है, जिसमें एक वस्तु के बदले हम दूसरा वस्तु देते थे। पर धीरे धीरे क्या हुआ, मुद्रीकरण की नीति अपनाई जाने लगी, जिसके अंदर में मुद्रा व्यवस्था को प्रमुखता दी गई, जिसमें एक मुद्रा को दिया गया जिम्मेदारी के भैया इसके जरिए चीज़ें चेंज करेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ी, ठीक है, जैसे जैसे फैक्ट्रियां लगी, तो उसके बाद में क्या हुआ, जनसंख्या में भाई एकदम अजब तरह की परिवर्तन देखे गए, जिसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। 17वीं शताब्दी के मध्य तक, जब 17वीं शताब्दी का पूरा मिडल चल रहा था, ठीक है, एकदम मध्य तक जब टाइम पीरियड था, तो उसमें पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, नॉर्थ एशिया की बात नहीं कर रहा, ठीक, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की जो आबादी थी लगभग 50 करोड़ को पार कर चुकी है, 50 करोड़ को पार कर चुकी है, जबकि आज भारत की आबादी 135 करोड़ अकेले है, ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, ठीक है, जनसंख्या 50 करोड़ पार कर चुकी थी, जिसके कारण से भारी भुखमरी और बीमारियों का कारण फैलता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था,
ठीक है, 18वीं सदी के अंदर में कुछ औद्योगिक क्रांति के नए परिवर्तन हुए, ठीक है, जिसमें 1700 सन 1700 के बाद, ठीक है, जनसंख्या में तेजी से विस्फोट हुआ और भी ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगा, ठीक है। और देखो अभी मैंने क्या बताया कि 17वीं शताब्दी के मध्य तक, ठीक है, मतलब 1650 के आसपास में मान लो, या 17वीं शताब्दी जब आने वाला होगा तब जनसंख्या हमारी कितनी थी, 50 करोड़ थी। और 1750 तक जाते जाते, ठीक है, 1700 तक जाते जाते जनसंख्या में विस्फोट हुआ और जनसंख्या 8 गुना तेजी से बढ़ गया, ठीक है, 8 गुना तेजी से बढ़ गया। और ये जनसंख्या जो पहले 50 करोड़ थी अब कितना हो गया, 4 अरब 800 करोड़ हो चुकी थी, ठीक है, 4 अरब 800 करोड़। सोचो कितना बड़ा ह्यूज पॉपुलेशन, 8 गुना ज़्यादा तेजी से बढ़ा सिर्फ 50 सालों के अंदर में, ठीक है। और अभी तो ये कुछ नहीं, अब आगे देखो 2000 में, मतलब ये 2000 में जब सन 2000 आया, ठीक है, जब तक ये 6 अरब हो चुकी थी, ठीक है, मतलब और इतनी तेजी से बढ़ रही थी जनसंख्या, कुछ कहने की बात नहीं। अब अपने भारत का एग्जांपल लेके चलो, जब 1945-47 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है, तो आप ये टाइम पीरियड जो है 40 से लेके 50 के बीच का मान लो 10 साल, ठीक है, 1950 में हमारा संविधान लागू हो चुका था, देश आज़ाद हो चुका था, सब कुछ एकदम पूरी तरह से ओके, हम अपना इंडिपेंडेंट होके अपना रूल रेगुलेशन कर रहे थे, तो उस समय की जो आबादी थी पूरे भारत की वो ऑलमोस्ट 50 करोड़ के करीब में थी, ठीक है, 45, उससे कम ही थी, ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम थी उससे, ठीक है। पर उसके बाद आज आपका सन 2010 में जनगणना हुई, ठीक है, 2010 में जनगणना हुई करीब, ठीक है, और उसके बाद ये देखा गया, अभी तो 2020 वाला चली रहा है जनगणना, पता नहीं कब तक आएगा रिपोर्ट, ठीक है। 2010 में जो जनगणना हुई उसमें ये देखा गया कि डायरेक्ट जो जनसंख्या है वो 125 करोड़ हुई, मतलब आप मान के चलो तो 75 करोड़ का इजाफा हुआ, 75 करोड़ लोगों का इजाफा हुआ, 50 करोड़ पहले थी, ठीक है, 1945 में, और मतलब 40-50 सालों के अंदर में 75 करोड़ लोग बढ़ गए, ठीक है, और अब धीरे धीरे और बढ़ रहे हैं, ठीक है। आने वाले समय में हम 200 कब पार कर जाएंगे हमें पता भी नहीं चलने वाला है। तो इस तरह से जनसंख्या में विस्तार होता चला गया। और पता है क्या, जैसे सरकार ने ट्राई किया, जैसे उस समय की जो सरकार थी उसने ट्राई किया कि भैया जनसंख्या को रोका जाए, तो जो पश्चिमी देश से सीखे हुए लोग थे, जैसे मान लो अमेरिका और दूसरे देश में, वहाँ पे क्या जनसंख्या नियंत्रण एक तरह से अब धीरे धीरे इस्टेब्लिश हो रहा है कि भैया जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए, ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं। पर जो अल्प विकसित देश थे उनका ये मेंटेलिटी रही कि भैया जनसंख्या को अगर हम नियंत्रित कर लेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा। लोग ज़्यादा बच्चे इसलिए पैदा करते थे कि यार मैं अकेला था, मैं अकेले कमा रहा था, ठीक है, मेरे बच्चे परिवार पल नहीं पाए, मैं आगे नहीं बढ़ पाया, अगर मेरे 10 बच्चे होंगे तो 10 कमाएंगे, 10 अगर एक एक रुपये भी लाएंगे तो 10 रुपये आएगा घर में, ठीक है, तो ये सोच के उन्होंने 10 बच्चे पैदा किए, इस तरह से चीज़ें चले कि जिससे उनकी आर्थिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके, उनकी ये मेंटेलिटी रही, ठीक है, आपके बुक में बताया गया है, ठीक है। विकासशील देशों के अंदर में जो विकासशील देश जिसमें भारत भी आता है, ठीक है, विकासशील समाजवादों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि 1945 के बाद शुरू हुई, जैसे मैंने भारत का भी अभी एग्जांपल दिया कि 1945 के बाद लगभग 70 करोड़ की आबादी अचानक से बढ़ी, ठीक है। इन देशों में जनसंख्या वृद्धि पश्चिमी देशों से ज़्यादा थी, ठीक है, कारण क्या रहा कि हम जब चीज़ें नए नए आ रहे थे हमारे पास, जब नई नई तकनीक आ रही थी, तो उसके कारण से हम जनसंख्या वृद्धि में लगे भाई, जनसंख्या पूरी तरह से वृद्धि की, ठीक है। जबकि इस समय ये भी था कि चिकित्सा और विज्ञान पद्धति के कारण से मृत्यु दर में कमी हुई, जो लोगों की मरने की संख्या थी वो तो कम हुई, पर जो बढ़ने की संख्या थी वो ज़्यादा होगी, पैदा होने की संख्या बढ़ गई, ठीक है। इस तरह से पूरा तरह से सामाजिक संरचना के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जिसमें नए वर्ग का उत्पन्न होता है जो मजदूर वर्ग के तौर पर जाना जाता है, ठीक है। आधुनिक वर्ग बहुत देर से पैदा हुआ, ठीक है, आधुनिक वर्ग बहुत देर से पैदा हुआ, जिसमें ज़्यादातर लोग बड़े परिवार इसलिए चाहते थे कि श्रम, अब देखो मैंने क्या बताया कि लोग बड़ा परिवार क्यों चाहते थे, ज्वाइंट फैमिली या फिर बड़ी परिवार जिसमें ज़्यादा बच्चे हों, क्यों चाहते थे, जिसमें श्रम की भागीदारी, ठीक है, ज़्यादा रहे, श्रम की भागीदारी ज़्यादा रहे। जैसे मान लो हमारे घर के बाहर में ईटा गिरा, ठीक है, ईट जानते हो घर बनाने के लिए, मान लो एक ट्रैक्टर हमने ईटा गिरवा लिया, 500 ईटे गिरवा लिए, अब मान लो मैं अकेले हूँ तो अकेले 4 घंटे लगाकर मैं 500 ईटे उठाऊंगा, अगर मेरे घर में 5 भाई बहन हैं या फिर मैं 5 मेरे बच्चे हैं तो क्या करेंगे, वो भी 2-2 ईटे उठाएंगे, 1-1 ईट उठाएंगे, तो उसमें क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा, हम जल्दी करवा लेंगे काम को, ठीक है। तो श्रम का विभाजन होगा, या फिर कहीं काम करने गए तो 5 जने काम करने गए, 2-2 रुपये भी लाएंगे तो 10 रुपये हो गए, तो इस कारण से भी यहाँ पे देखने के लिए मिला। और ये ज़्यादातर ये जो एशिया के जो देश थे या फिर जो विकासशील देश थे, जो भी नव स्वतंत्र जो नए नए आज़ाद हुए थे 1947 के बाद 1945 के बाद, उस सब देशों में ज़्यादा था और उनको समझाना ज़्यादा मुश्किल था। अब उनको समझाने के लिए जाओगे तो वो बोलेंगे भैया तुमने तो अपना बढ़ाया, हमने तुम्हें कुछ बोला, तुम हमें बढ़ाने दो, ठीक है। जैसे अब ये वाला जो मैं कह रहा हूँ ना, तुमने बढ़ाया, मैंने कुछ नहीं बोला, ये वाला ना आप जब वो देखोगे पर्यावरण सम्मेलन के बारे में पढ़ोगे,
तब आपको ही पता चलेगा। जैसे अमेरिका, अमेरिका में क्या हुआ, चीन, अमेरिका जो बड़े विकास विकसित देश थे, उन्होंने पहले पूरी तरह से पर्यावरण को नष्ट किया, पेड़ काटे, सब कुछ काटे, ठीक है, पर्यावरण को नष्ट किया। उनको जब बुद्धि आई कि भैया ये तो गलत है, पर्यावरण को नुकसान कर रहा हूँ, बाद में दिक्कत हो जाएगी हमें, ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया, रोक दिया, ठीक है, अब नहीं करेंगे। अब जो नया नया देश आज़ाद हुआ, ठीक है, नया नया देश आज़ाद हुआ, जो अपने पैरों पर नया नया खड़ा हुआ, तो वो भी अब काटने के लिए, तो अमेरिका कहता है नहीं नहीं भैया तुम नहीं काटोगे, तुम काटोगे तो ये तो नुकसान कर जाएगा पूरी धरती के लिए। तो वो बंदा जो नया वाला है वो कहेगा भैया तुमने काटा, ठीक है, नोट लायक नहीं था कि मैं तुम्हें बोल पाऊँ, अब मुझे थोड़ा बहुत काटने दो, मुझे भी थोड़ा बहुत विकास करने दो, मैंने अब तुम्हें तुम्हारे बारे में मैंने नहीं बोला, तो तुम मेरे बारे में मत बोलो, थोड़ा सा देर तुम शांत रहो। तो इस तरीके से होता है हमारे भारत के ऊपर होता है कि जब भारत कुछ चीज़ें कर रहा होता है जो पहले देश कर चुके, अगर भारत करे तो बोलते हैं भैया भारत कर रहा है ऐसा, ठीक है, ये प्रगति के खिलाफ जैसे उन्होंने किया था, तो एक चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, समझ में आता है। यहाँ पे एक चीज़ ये भी देखने के लिए मिलेगी दोस्तों कि कारखानों मजदूरों के अंदर में जब बढ़ोतरी हुई तो उसके बाद शहरीकरण का विकास हुआ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर, शहरीकरण का विकास, जिसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे शहरीकरण के विकास के अंदर में बात करें दोस्तों, तो शहर के अंदर में व्यापार के अंदर में तेजी आई, तो जो आधुनिकीकरण के कारण से जो उद्योगीकरण पूरा फैला, आधुनिकीकरण आया जिसके अंदर तकनीकों का उपयोग किया जाने लगा, ठीक है, जिसके कारण से उद्योगों का विकास हुआ। उसके बाद में जो उत्पादन में तेजी आई, ठीक है, उत्पादन में तेजी लाने के लिए मजदूरों का सहारा लिया गया। तो एक ऐसा टाइम था जब हम उद्योगीकरण की ओर बढ़ रहे थे, एक ऐसा टाइम पीरियड आया जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को भर्ती लिया जा रहा था। अब मान लो 90% की जो आबादी है आपकी कृषक है, तो आप मजदूर लाओगे कहाँ से, तो आपने क्या किया, इसमें से लोगों को ले जाकर मजदूर बनाने लग गए, ठीक है, मजदूर बनाने लग गए। अब मजदूर बनाने लगे, अचानक से क्या हुआ, ये वाला जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये इस वाले का, सॉरी, ठीक है, तो अचानक से क्या हुआ कि अब मजदूर आपने बनाने लग गए, 90% की आबादी में से आप मान लो 30% लोगों को ले गए और उसको मजदूर बना दिया। अब तकनीक आने लगा तो उनको अचानक से हटाने लगे, तो वो जो बेरोजगारी पैदा हुई और उसके बाद से जो परिवर्तन शुरू हुआ, वो सारा कुछ यहाँ पे आज देखने के लिए मिलता है दोस्तों। अब शहरीकरण के बारे में हम बात करें तो शहरीकरण में क्या हुआ, संचार, परिवहन, ये सब चीज़ों के अंदर में, व्यवसाय के अंदर में तेजी आई, शहर की तरफ लोग आकर्षित होने लगे। रीज़न क्या था, व्यापार और उत्पादन में तेजी आना, ठीक है, व्यापार और उत्पादन के अंदर में जब तेजी आई तो लोगों का एक आकर्षण का केंद्र बना कि भैया यहाँ पे हम व्यापार करते हैं, यहाँ पर हम उत्पादन में तेजी आएंगे, तो यहाँ पर मजदूरी कर सकते हैं, हम नगद पैसा कमा सकते हैं, जिसके अंदर में शहर के अंदर में जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई। दूसरा, कर्ज हेतु केंद्रित जगह का निर्माण किया गया, जो आज बैंक है, ठीक है, पहले गांव में नहीं होता था। गांव में भी अगर आप देखोगे तो आपके गांव के अंदर में कोई बैंक नहीं होता, गांव से जाकर जो बाज़ार होगा आपका, ठीक है, जिसे मार्ट या हाट जो भी बोलते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको बैंक मिलेगा, ठीक है, जो कर्ज हेतु या फिर जिस तरह से भी जो सुविधाएं होंगी वो बाज़ार के अंदर मिलेगी, मार्केट के अंदर मिलेगी, जिससे आप शहर के तौर पर, ठीक है। तो जैसे मेरा अपने गांव की बात करूँ तो मेरा गांव जो हमारा मेन सेंट्रल एरिया है उससे मतलब 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर अंदर है, ठीक है, तो अगर हमें कभी कुछ चाहिए भी, ठीक है, 10 किलोमीटर दूर जाओ फिर वहाँ से आप लेकर आओगे। पर अभी दिल्ली में रह रहा हूँ मैं, तो दिल्ली में क्या है कि हर गली में हर चीज़ें हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है पूरी तरह से शहरीकरण, इन सारी चीज़ों ने अट्रैक्ट किया लोगों को, जिसके बाद जो जनसंख्या थी वो शहर की ओर पलायन करती चली गई, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या हमें देखने के लिए मिला, संचार परिवहन प्रणाली मिली, ठीक है, संचार परिवहन प्रणाली मतलब क्या, जहाँ पे जाने जाने का, बातचीत करने का, टीवी देख रहे हो, सारी चीज़ें ये आकर्षण का केंद्र बनती चली गई, ठीक है। नाप जोक का मानक, ठीक है, गांव के अंदर में क्या होता है, विनिमय पत्था होता था भैया कि आप 2 किलो गेहूं दो, मैं चलो 1.5 किलो आपको दे रहा हूँ, ठीक है, तो इस तरह से एक नाप जोक की प्रणाली नहीं थी, पर शहर के अंदर में सारी चीज़ें देखने के लिए मिली, जिसके कारण से लोग आकर्षित होने लगे। तीसरा, सड़क सुरक्षा, सड़क गाँव में सड़क नहीं होती, ठीक है, नॉर्मली क्यारी जो गाँव खेतों के बीच में क्यारी होती थी उस पर चलते थे, या फिर किसी और तरह से कच्ची सड़कें होती थी, तो वहाँ पे किसी तरह से भी आप चलाओ गाड़ी, कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। आप अगर दिल्ली में आप बाइक चलाते हो, गांव में जाओगे चलाने के लिए, तो कुछ टाइम के लिए आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि वो लोग अपने तरीके से चला रहे होते हैं, ठीक है। तो पर शहर के अंदर में क्या हुआ, सड़क सुरक्षा जैसी चीज़ें, नए तरह के नियम कानून जैसी चीज़ें देखने के लिए मिली। मुद्रा प्रणाली, जिसमें हम एक चीज़ के बदले में हम पैसा देकर सामान खरीदते हैं, ठीक है, पर गांव के अंदर में इस तरह की चीज़ें नहीं थी। ये आरंभिक समय की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब आरंभिक समय मतलब 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी के टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके कारण से क्या हुआ, जनसंख्या का पलायन होना शुरू हुआ शहर के अंदर में, और शहर के अंदर में बढ़ोतरी बहुत तेज़ी से होती चली गई। आप कुछ एग्जांपल लेके चलोगे तो यूके, यूनाइटेड किंगडम के अंदर में 1801 में 20% जनसंख्या, मतलब 10,000 से अधिक आबादी वाले शहर थे, ठीक है, जहाँ पे एक एक शहर के अंदर में 10,000 लोग रहते थे। पर वही 1851 आते आते मतलब मान लो 50 साल के अंदर में क्या हुआ, ये जो आबादी है 40% बढ़ गई, ठीक है,
की आबादी 40% बढ़ गई, ठीक है, जहाँ पे आबादी बढ़े क्या मतलब ये गाँव से तो कुछ लोग आए ही आए और जो जनसंख्या बढ़ती रही वो अलग बढ़ा, ठीक है। जनसंख्या बढ़ने के कई सारे कारण थे जो मैंने आपको बताया, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लेकर चल रहे होते हैं। ये सिर्फ यूके में नहीं, पूरे यूरोप के अंदर में देखने के लिए मिला। यूरोप के अंदर मैंने क्या था कि पहले जो जनसंख्या थी उनकी मान लो 70 लाख थी, ठीक है, अचानक से जब 5-10 साल के बाद दोबारा आए, ठीक है, तो 70 लाख जगह डबल हो गया, ठीक है, फिर दोबारा आए, फिर ट्रिपल हो गया, तो इस तरह से बढ़ती चली गई, ठीक है। एक आंकड़े के अनुसार ये बताया जाता है कि जैसे यूरोप की पूरी आबादी 2 करोड़, ठीक है, 2 करोड़ के बाद क्या हुआ, जब कुछ सालों बाद दोबारा से, जब 10 या 20 साल बाद दोबारा से जनसंख्या को मतलब गिना गया, तो 2 से हो गया वो 4 करोड़, फिर वो 4 से सीधा हो गया 8 करोड़, तो स्क्वायर रूट में चल रहा था पूरा, ठीक है। तो इस तरह से वो जनसंख्या का विस्तार होता चला गया, ये देखने के लिए मिलता है दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर में बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी, ठीक है, और बहुत ही मतलब मज़ेदार है सारी बुक के अंदर में जितने भी आंकड़े दिए गए हैं कि इस तरह से आंकड़े में परिवर्तन हो रहा था। आज दूसरे देश हम पे ताने मारते हैं कि आप बहुत ज़्यादा जनसंख्या में हो, ठीक है, वो भी किस प्रकार से बढ़े हैं, ठीक है, उन्हीं को हम देखा देखी बढ़ रहे हैं, बस हम थोड़ा स्पीड हमारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलता है। आज हमारे भारत के अंदर में बहुत सारी झुग्गी है, आप जानते हो कि झुग्गी वाले एरिया है जहाँ पे झुग्गियों में लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा जनसंख्या में रहते हैं, ठीक है। अगर आप पिछले मतलब कुछ समय पहले पुराने के समय के बारे में बात करो, जैसे 1900, 1901, 1902 के समय की बात करो, 1910-15 की बात करो, तो लैटिन अमेरिका में भी 40 से 50 लाख परिवार ऐसे थे जो झुग्गियों में रहा करते थे, ठीक है, ये रियलिटी फैक्ट है जो आपके बुक के अंदर में बताया गया है, ठीक है। तो इस तरह से था फ्रांसीसी समाजशास्त्री, ठीक है, एमिल ने कहा कि ये निसंदेह आवास है, ठीक है, निसंदेह प्रगति का आवास है, मतलब ना जो विकास हो रहा है उसके कारण से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। जब हम विकास कर रहे हैं, चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उसके कारण से ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलेंगी और हमें सहना पड़ेगा, हमें इसको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब शहरीकरण के कारण प्रभाव क्या पड़ा, अब लोगों ने शहरीकरण के जाने लगे तो उसके कारण से प्रभाव क्या पड़ा, तो पारंपरिक समुदाय से दूर हो गए, ठीक है। अब आप शहर में रह रहे हो, अब अपना एग्जांपल ले लो, आपका फैमिली रह रहा है या फिर इवन मेरी फैमिली रह रही है शहर में, रह रही है मेरी मम्मी पापा मैं और मेरे भाई बहन, टोटल 5 लोग हम शहर में रहते हैं, 5 लोगों का परिवार है, हम शहर में रहते हैं, हमारे जो दादा परदादा और जो मेरे बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो अपने अलग अलग शहर में रह रहे हैं या फिर एक गाँव में रह रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो पारंपरिक समुदाय था, जो हमारा कुंबा था, उससे हम अलग हो गए, ठीक है, हम अपने जात व्यादर सबसे अलग हो गए, शहर में रह रहे हैं। अब पहले गांव में क्या होता था कि जैसे गांव है तो गांव में बटा होता था कि भैया ये जो एरिया है राजपूतों का एरिया है, ये वाला एरिया जो ब्राह्मणों का एरिया है, इस तरह से बटा होता था, एक कुंभा होता था कि आपका जो फेस्टिवल है तो आप अपने पूरे कुंभे में मना रहे, ठीक है, जो इनका फेस्टिवल है वो पूरे अपने मतलब समूह में मना रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। अब हम दिल्ली में रह रहे हैं, मेरे बगल वाले किसी और जगह से हैं, मेरे इधर वाले अगर किसी और गले से, सामने वाले किसी और जगह से हैं, ठीक है, तो पता ही नहीं कि कौन क्या है, तो हम पारंपरिक समुदाय से अपने दूर होते चले गए, ठीक है, जो हमारी पारंपरिक संस्कृति थी उससे दूर होते चले गए, करते चले गए। अब जैसे गाँव में मम्मी क्या थी मेरी, वो पूरा घूंघट करती थी क्योंकि भाई उनके टाइम से चलता आ रहा था, ठीक है, पर अभी हम शहर में रह रहे हैं तो सब कुछ नहीं करना है, तो घूंघट जैसी चीज़ें हटती चली गई, ठीक है। पहले क्या होता था, पर्दा किया जाता था कि अगर कोई अननोन पर्सन आपके घर में आ रहा है तो हम उससे पर्दा करते थे, ठीक है, मतलब जो औरतें होती थी वो पर्दा करती थी, पर अभी ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती चली जा रही हैं, ठीक है। जो हमारा पारंपरिक जो उद्योग था जैसे कृषि करना या कुछ और करना, ठीक है, तो उन सबसे चीज़ों से दूर होते चले जा रहे हैं, ठीक है, तो हम अपना उसको छोड़कर मजदूरी और दूसरी तरफ पे हम अग्रसर हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है, क्योंकि हम नॉर्मली क्या देखते हैं, भविष्यमुखी को देख के चलते हैं कि भैया अगर हम शहर में रहेंगे तो हमारा जीवन है वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करें दोस्तों, मजदूरों के जीवन में परिवर्तन और सामाजिक संरचना किस प्रकार से आए, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है कि समायोजित कार्यप्रणाली, ठीक है, जिसमें मतलब एक फिक्स कार्यप्रणाली के तौर पर बढ़ते चले गए, जिसके कारण से ये इनके जीवन में सबसे बड़ी परिवर्तन के तौर पर देखा गया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखा जाता है परिवार की आर्थिक भूमिका खत्म होती चली गई। अब मान लो ये शहर में आकर रह रहे हैं तो पहले क्या होता था, परिवार की पूरी जिम्मेदारी होती थी कि भैया 10 लोगों का परिवार है तो 10 लोग मिलकर कमाएंगे और फिर खाएंगे। अब क्या हुआ, 10 बच्चे हैं तो सब अपना अपना बट गए और अपने अपने परिवार को लेकर पाल रहे हैं, तो यहाँ पे परिवारों की जो आर्थिक जिम्मेदारी थी वो खत्म होते दिखती है। भूमिहीन जो किसान थे वो धीरे धीरे मजदूरों में परिवर्तित होते चले गए, ठीक है, जो भूमिहीन किसान थे वो मजदूरों में परिवर्तित होते चले गए, ये भी आपको शहर में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे एकल परिवार का जन्म हुआ, शहर के कारण से क्या हुआ, एकल परिवार का जन्म हुआ। अगर आप गाँव में आप अपने दादा परदादा से देखोगे, अभी भी बहुत सारे लोग होंगे जिनका ज्वाइंट फैमिली है, जिसमें पूरा दादा परदादा चाचा ताता मामा जितने भी ना सब एक फैमिली में एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और एक साथ रहते हैं, ठीक है। पर शहर के अंदर क्या है कि अब मेरे यहाँ पे 5 लोग रह रहे हैं, मेरे बड़े पापा हैं वो अपने, ठीक है, उन सबसे छोटे चाचा हैं वो अपना अलग रह रहे हैं,
ठीक है। तो इस तरह से क्या, सबने अपना अपना बाउंड्री, सबने अपना अलग अलग रह रहे हैं, तो एकल फैमिली का शहर के कारण से निर्माण होता है दोस्तों, ठीक है, समझ में आता है। तो इस तरह से मजदूरों के समाज के अंदर में जिस तरह से संरचना में परिवर्तन आया, इसके बारे में हमने बात करी। अब यहाँ पे आधुनिकता और लैंगिककरण और तार्किककरण के बारे में बात करते हैं, लॉजिकली क्या है, ठीक है। तो लैंगिककरण के अंदर में क्या होगा, जो आपका घर में समुदाय है उससे आप दूर होते चले गए, ठीक है, आप उससे दूर होते चले गए, आप उससे खत्म हो गए। आप जैसे पहले जाति व्यवस्था बहुत ज़्यादा थी, धार्मिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा थी, धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा मान्यताएं थी, पर शहर के अंदर में आने के बाद आप सारा कुछ भूल गए। अब जो हमारे भाई बहन हैं, ठीक है, पहले क्या होता था, हर पैदा मतलब मंदिर में जाओ, मंदिर में जाकर एकदम मत्था टेको फिर जाओ, पर आज के समय में क्या है, भाई मेरा भाई बहन मेरे चर्च में जाना ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं, या फिर और भी तरह की चीज़ें हम देख रहे होते हैं कि भैया गुरुद्वारे में जाएंगे, आते फिरते गुरुद्वारा दिख गया, चलो भैया लंगर खाने के बहाने मत्था टेक कर आ जाते हैं, ठीक है। पर पहले इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी, पहले एक बाउंडेशन होता था भैया कि वो उनका धार्मिक स्थल है, हम क्यों जाएँ, ठीक है, ये हमारा धार्मिक स्थल है, हम ये करेंगे, ठीक है। इस तरह से एक मतलब रीति रिवाज होते थे, ठीक है, या फिर आप तकियानुसी सोच कह लो या जो भी कह लो, पुराने ऑर्थोडॉक्स जो सोच होते थे वो सारी चीज़ें थी, पर वो धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। तो कहीं जगह पे अच्छा भी है, कहीं जगह पे ख़राब भी हुआ है, ठीक है, ये हम देखने के लिए मिलते हैं। तार्किकरण के अगर हम बात करें, तार्किकरण के अंदर में क्या हुआ कि भैया हम एक तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तंत्र को प्रधान मानकर चलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तंत्र की ओर बढ़ते हैं, जिसके अंदर हम औद्योगिकरण को ज़्यादा महत्व देते हैं, औद्योगिकरण की ओर बात करते हैं, औद्योगिकरण के अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए उसके बारे में हम बात करते हैं, किस तरह से हम औद्योगिकरण से विकास करें इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तार्किकरण समूची आबादी को विवेकवान और ज्ञानवान नहीं हो जाएगी, इसका ये भी कहना था। तार्किकरण के अंदर में आप बोलते हैं कि भैया आप औद्योगिकरण के अंदर में चल रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप औद्योगिकरण को अपना रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप विद्वान हो जाओगे, विवेकवान हो जाओगे, ठीक है, आपके अंदर में बुद्धि आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। इसके लिए आज के समय में क्या है, लोगों क्या करते हैं, थोड़ा मेडिटेशन कर रहे होते हैं कि भैया हम समुदाय को अपनाएंगे, फटी हुई जींस पहनेंगे, ठीक है, तो या फिर पिज्जा बर्गर खाएंगे, तो ये कहा जाता है कि भैया आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं, आप विवेकवान नहीं बन जाओगे, ठीक है। विवेकवान बनने के लिए जो आपकी उसी को अपनाओगे, दूसरे ने चीज़ें दी गई थी उसी को अपनाओगे, तब आप चीज़ों को समझ पाओगे और कर पाओगे, ठीक है। हर चीज़ का पीछे एक लॉजिक होता था पुराने समय में, ठीक है, जैसे झाड़ू लग रहा है तो झाड़ू ऊपर चढ़ के नहीं जाना चाहिए, पर आज के समय में चीज़ें नहीं देखते, और बहुत सारी चीज़ें, तो मेरी मतलब घर की चीज़ें हैं मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे, ये सारी चीज़ें जो आधुनिकीकरण के अंदर में हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। एक लास्ट यहाँ पे पॉइंट आ जाता है दोस्तों आपका, आधुनिक समाज और विश्व समाज, यहाँ पे आधुनिक समाज और विश्व समाज की अगर हम बात करें, तो आज का समाज किस प्रकार से पूंजीवादी की ओर मतलब अग्रसर हुआ, पूंजीवाद की तरफ बढ़ता चला गया, और पूंजीवाद के कारण से क्या हुआ, समाज का नया समाज का निर्माण हुआ, जिसके अंदर में एक नए वर्ग मजदूर वर्ग का, ठीक है, बुर्जुआ वर्ग के कारण मजदूर वर्ग का निर्माण हुआ, ठीक है। जिस तरह से कॉलेज के अंदर में रहकर एक हम विद्यार्थी को पैदा करते हैं, ठीक है, एक मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति को पैदा करते हैं, उसी तरह से एक फैक्ट्री के अंदर में वर्क करने वाले, एक औद्योगिकरण के उद्योग में वर्क करने वाले समूह के कारण से मजदूर वर्ग पैदा होता चला गया, और भूमिहीन जो व्यक्ति थे, धीरे धीरे जिनकी छोटी मोटी भूमि थी, वो भी भूमिहीन होते होते वो मजदूर बनने के लिए रेडी होते चले गए। ये सारी चीज़ें आप देखने के लिए मिलेगी आपको। सामाजिक संरचना और नए बदलावों की बात करूँ, तो यहाँ पर क्या होता है कि समाज के अंदर में परिवर्तन देखने के लिए मिला, नए बदलाव ये आए कि भैया पहले तो हम लोगों को मजदूर बनाए, ठीक है, जो किसान थे उनको हमने मजदूर बनाया, भूमिहीन बनाकर मजदूर बनाया, उनकी खेती खरीदी। अब भूमिहीन बने कैसे, तो कई बार तो अपनी मजबूरी से बने, कई बार क्या हुआ कि हमारे पास पैसा, हमें फैक्ट्री लगानी है तो हम लगाएंगे कहाँ, आसमान में तो लगाएंगे नहीं, तो हम ज़मीन खरीदेंगे, तो ज़मीन खरीदेंगे तो किसी को अपनी ज़मीन बेचनी पड़ेगी, ज़मीन बेचेगा तो उसकी ज़मीन ख़त्म हुई, ज़मीन ख़त्म हुई तो जो उसका पैसा मिला कुछ टाइम तक खाओगे, उसके बाद तो फिर खाली हो गए, खाली हो गए तो कहाँ जाओगे, मेरी फैक्ट्री में ही वर्क करोगे, फैक्ट्री में मैंने शुरुआत में आपको लगा लिया, बाद में भाई तकनीक आ गई तो मैंने आपको निकाल दिया, क्योंकि मेरे पास मशीन आ गई, मशीन वही काम जो आप 40 लोग मिलकर करेंगे, आदमी मिलकर मशीन को चलाकर कितना काम करेंगे, उससे ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है, तो आप वापस से क्या होगी, बेरोजगारी पैदा होगी, ठीक है। सारी चीज़ें हमें नए बदलाव के तौर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। ये पूरा आपका चैप्टर था, इसके अंदर में जो हमारे तीन क्वेश्चन थे, ये तीन क्वेश्चन आ जाते हैं जिसके बारे में मैंने पूरा आपको समझाया है, ठीक है, आपको बस इसको ध्यान से अगर पढ़ोगे क्वेश्चंस को तो आपको समझ में आ जाएगा। जिसमें पहले तो था आधुनिक स्थिति में मानव जीवन के पहले को किस पर मतलब युग है, जो आज का समय और पहले के समय में किस प्रकार से डिफरेंस है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो मैंने ये बताया था पहले टाइम पीरियड में क्या चीज़ें हैं इसके बारे में बताया, आधुनिक समाज का अर्थ क्या है, आज के समय समाज का जो अर्थ क्या बनता है आपके हिसाब से, ठीक है, वो आपको डिफाइन करना है, जो भी इसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। लैंगिकरण की प्रक्रिया, ठीक है, किस तरह से आधुनिक समाज की संरचना का अंग बनी, ठीक है, जिसके अंदर में धर्म
को हम भूल कर नई चीज़ों को अपना रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद कारण से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या एक तरह से सामाजिक संरचना का अंग बनती जा रही है। आज आप नॉर्मल जो आपका ट्रेडिशनल फूड है उसको खिला दो और उसकी जगह पर पिज़्ज़ा बर्गर वही मंगा दो आप उससे, तो आपका अगर आप पिज़्ज़ा बर्गर खिला दोगे उसे तो वो आपका चार घर में जाके नाम लेगा कि भैया उनके घर गया था, बड़ा सेवा सत्कार किया उन्होंने, बहुत मान आदर किया। पर वही आप अपना ट्रेडिशनल फूड खिलाओगे उन्हें, ठीक है, जो आपके घर में बनता है उसको खिलाओगे, तो वो क्या बोलेंगे कि यार गया था वही सिंपल सा, वो खिला दिया सेम, ठीक है, ये तो मैं अपने घर में भी खाता हूँ, ऐसा बोलकर वो निपटा देंगे आपको। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि जो MA की वीडियो बनाते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है यार इसको, क्योंकि एक बार आप पढ़ो सही से, ठीक है, समझो, ठीक है, समझने के बाद उसको फिर आपको एक्सप्लेन करो, ठीक है, 30-30 मिनट तक लगातार नॉन स्टॉप बिना काटे पीटे बोलना पड़ता है, तो एक मतलब बहुत ज़्यादा हार्डवर्क होता है, ठीक है। तो आपके लिए अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी अगर हमें सीरियस से करना चाहते हो तो सही से पढ़े दोस्तों, ठीक है, अपना नोट्स बनाए सही से बनाए, ठीक है, अगर कहीं पर कोई भी डाउट आता है तो बेझिझक होकर कमेंट करके पूछ लें या फिर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाके पूछ लें या कमेंट करें, मैं आपको व्हाट्सअप का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके पूछ लें। और तो और आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखें तो कर लें, जिससे आने वाले समय में जो भी वीडियो मैं डालूँ आपको टाइम से अपडेट मिले और आप उसको पढ़ सकें, देख सकें और आप अपने आप आगे की तैयारी कर सकें। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।